अक्सर हमने लोगों को बोलते हुए सुना है ही और शी इज माई आइडियल, कि ये व्यक्ति हमारा आदर्श है। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। आदर्श शब्द कोई इतना अच्छा शब्द नहीं है। हर कोई तुम्हें अपना आदर्श चुनने के लिए कहता है, लेकिन मैं ये सुझाव नहीं दूंगा। मेरे कोई आदर्श नहीं है, आदर्श ने तुम्हें पागल बना दिया है। यही आदर्श है जिन्होंने इस पूरी धरती को एक बड़ा पागलखाना बना दिया है। आदर्श का मतलब है तुम वह नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए। ये तनाव, चिंता और पीड़ा पैदा करता है। ये तुम्हें बांटता है, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया बनाता है। आदर्श भविष्य में होता है जबकि तुम यहाँ हो। और तुम कैसे जी सकते हो जब तक तुम आदर्श नहीं बन जाते? पहले आदर्श बनो, फिर जीना शुरू करो। और ये कभी नहीं होता। ये चीजों की प्रकृति में ही नहीं है। आदर्श असंभव है, इसलिए वे आदर्श है। वे तुम्हें पागल बना देते हैं और तुम्हें अस्थिर कर देते हैं। और निंदा उत्पन्न होती है क्योंकि तुम हमेशा आदर्श से कम होते हो। अपराध बोध पैदा होता है। वास्तव में यही काम तथाकथित ज्ञानी और राजनेता करते रहे हैं। वे तुम्हें अपराध बोध पैदा करना चाहते हैं। अपराध बोध पैदा करने के लिए वे आदर्श का उपयोग करते हैं। यही सरल तंत्र है। पहले एक आदर्श तो फिर अपराध बोध स्वतः ही आ जाता है। भविष्य के किसी आदर्श, विचार या पूर्णता के लिए तरसना और लालच करना शुरू मत करो। सभी आदर्शों को छोड़ दो और अभी और यहीं जियो। प्रणाम।